बात है पवन सूद भाई, मजा आ गया। मैं तो सदा मुकेश गाते हूँ, लेकिन आज किशोर कुमार को कितना बढ़िया गाया, एक बार जोरदार ताली पवन सूद जी के लिए, क्या शानदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। रेखा जी हमारे बीच में, मोहम्मद आजाद जी आ गए, आप जानती होंगे, जय हिंद जनाब के संपादक महोदय। और जो नवरत्न अवार्ड जो हमने आपको दिया था, प्रदान किया था, सॉरी वो आपने दी, हमारी इतनी हिम्मत दी थी, क्योंकि आपने इतने अच्छे काम किए थे कि जो आपको दिया। ये जो नवरत्न फाउंडेशन 21 साल पहले जो बनी थी, वो बनाने वाले यही है शख्स मोहम्मद आजाद जी। उस समय ये दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, अब तो क्या एडिटर हैं दैनिक, जय हिंद जनाब के। हम लोग बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी, समाज सेवा करते थे दीपक जी, तो हम लोग थोड़ा क्या होता है कि समाज सेवा जो कर रहे होते हैं तो बड़ा मन में होता है यार, हम इतना काम कर रहे हैं, कोई पूछता तो है नहीं, कोई बात नहीं करता, क्या करें यार। तो ऐसे ही बैठे हुए इनके सामने अपनी व्यथा प्रकट कर रहे थे, मतलब आज 21-22 साल, मतलब कि आज तब मैं 42 साल का रहूँगा, ये नहीं बता रहा कि मैं 64 का हो गया, ये नहीं बता रहा हूँ। तो मैं उस समय ऐसे ही मैंने बोला आजाद भाई को, आजाद भाई यार देखो कितना काम करते हैं समाज सेवी, हम ये करते हैं वो करते हैं, और कोई पूछता तो नहीं है हमें यार, बुरा हाल है, मतलब ना तो गवर्नमेंट पूछती है, ना घर वाले पूछते हैं, ना कोई नहीं पूछता। तो इनकी एक लाइन जो थी मारक थी, और जिसमें कि नवरत्न फाउंडेशन का जन्म हो गया। इन्होंने बोला, अशोक जी कोई आपको पूछता नहीं पूछता है, आप तो किसी को पूछ सकते हो ना, आप तो दूसरे को सम्मान दे सकते हो। मैंने कहा वहाँ से नवरत्न फाउंडेशन स्टार्ट। तो आज हमारे बीच में आए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आज इनका जो अखबार निकला है उस पर आधे फ्रंट पेज पे आधे पेज का जो है वो गायक का एड इन्होंने दिया है। थैंक यू वेरी मच आजाद भाई, आप ही की संस्था है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं बता रहा हूँ, हमारे बीच में पहली बार गाने आ रही हैं, छोटी सी बिटिया है, और मेरे को अच्छा लगा, ये अकेले नहीं आई है, पूरा परिवार खानदान आया है इनके साथ, और जब सब लोग आए तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हमारे साथी हैं वर्मा जी, उन्होंने इनके बारे में बताया था, और ये रहते सेक्टर 47 में है, इनका नाम है तवलीन कौर, और ये आपके सामने गंधर्व से थर्ड ईयर कर रही हैं, वैसे अभी इंग्लिश ऑनर्स कर रही हैं, हैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही हैं इग्नू से, ये इंग्लिश ऑनर्स वहाँ से मुझे बहुत तकलीफ होती है, आप पूछोगे क्यों होती है, मेरी धर्मपत्नी ने भी लेडी श्रीराम कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स किया था, और शादी के 3 साल बाद मेरे को समझ में नहीं आती मैं सुन क्या रहा हूँ। मैं ठहरा गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल कश्मीरी गेट का पढ़ा हुआ, और हिंदी में हमने BSc की थी, अब हिंदी में करते थे, मतलब होती तो इंग्लिश में थी, मोतीलाल नेहरू कॉलेज से, अब वो पढ़ी भैया लेडी श्रीराम, उससे पहले कॉन्वेंट की पढ़ी हुई, लेकिन इंग्लिश ऑनर्स से फ़ायदा ये हुआ कि बाद के जो 34 साल रहे शादी के, मैं अच्छी खासी इंग्लिश सीख गया, दैट्स व्हाई आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी गुड, यू नो समटाइम्स वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो आइए चलते हैं, तवलीन जी तैयार हैं आपके सामने, हावड़ा ब्रिज का गाना लेकर के आ रही हैं, और ये गाने के बोल हैं, अपने आप ही सुन लो ना, या मैं क्या बताऊँ, चलो एक बार जोरदार ताली तवलीन जी के लिए। आप में से